आज एमपीएससी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 की परीक्षा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरोप किया गया है कि नागपुर के सदन पॉइंट हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर राज्य सेवा पूर्व परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का सील अवैध तरीके से तोड़ा गया। इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सदन पॉइंट स्कूल के परीक्षा केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी द्वारा आरोप है कि नागपुर में एमपीएससी प्री परीक्षा का पेपर का सील अवैध तरीके से तोड़ दिया गया। एबीवीपी का आरोप है कि नागपुर के एक परीक्षा केंद्र पर केंद्र प्रमुख के पहुंचने से पहले ही क्वेश्चन पेपर का सील तोड़ दिया गया था। एबीवीपी कार्यकर्ता परीक्षा केंद्र पहुंची, इस दौरान आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर स्टाफ ने अस्पष्ट जवाब दिया है। साथ ही भाजपा युवा मोर्चा की शिवानी दानी का कहना है कि एमपीएससी पूर्व परीक्षा का आज पेपर था और पेपर का एनवेलप छात्र की स्वाक्षरी लेकर वह एनवेलप को खोलना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यहाँ के लिपिक और यहाँ के इंचार्ज द्वारा बिना छात्र की स्वाक्षरी लिए प्रश्न पत्रिका का एनवेलप खोला है, जिससे छात्रों का नुकसान हुआ है। ऐसा कहते हुए शिवानी दानी द्वारा लिपिक व केंद्र के इंचार्ज को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा निषेध करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के एवं एबीवीपी के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा शुरू था। इस बीच भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, ट्रैफिक विभाग के डीसीपी सारंग आभाड़, एडीसीपी नवीन चंद्र रेड्डी परीक्षा केंद्र पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, क्योंकि कुछ ही समय बाद एमपीएससी का दूसरा पेपर शुरू होना था। केंद्र होती जी आज एमपीएससी की परीक्षा होती, सकाळी 10:30 पेपर होता, सकाळी 8:30 वाजता इथल्या लिपिकाने आणि इथल्या केंद्र इन्चार्जने हा पेपर फोडलेला आहे आणि विद्यार्थ्यांची सही न घेता हा पेपर ओपन केला आहे। आमची एवढीच मागणी आहे की या केंद्रावरती जो लिपिक आहे, जो केंद्राचा इन्चार्ज आहे आणि हे केंद्र आहे, हे बोगस आहे। आमची मागणी आहे की या केंद्रावरती आणि या दोन्ही लिपिकावरती आणि इन्चार्जवरती कारवाई व्हावी। आता दुपारी 3 पुन्हा पेपर आहे, तो पेपर सोबत असं पुन्हा होऊ नये, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, त्याच्यामुळे त्वरित पोलिसांनी यांना इथून अटक करावी आणि पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन जावे, त्याला ताब्यात घ्यावे। फिलहाल हम क्रीडा चौक से साउथ पब्लिक स्कूल में खड़े हैं। यहाँ पर जो है एमपीएससी के पेपर जो है यहाँ पे जो है हंगामा होते हुए दिखा है। हमारे साथ शिवानी दानी जी है, उनसे हम जानेंगे मैम क्या पूरा मामला है। एमपीएससी का जहाँ पेपर था, एमपीएससी का जहाँ पर पेपर था, 10 का पेपर था, 8:30 स्टूडेंट की साइन लेकर वो एनवेलप फोड़ना चाहिए था। यहाँ के लिपिक ने और यहाँ के इंचार्ज ने वो स्टूडेंट की साइन लिए बगैर वो एनवेलप फोड़ा और पेपर यहाँ पर फूटा है, विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। हमारी केवल इतनी डिमांड है पुलिस को कि वो इस लिपिक को, केंद्र के इंचार्ज को तत्काल यहाँ से अटक कर यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि 3 अगला पेपर होना है। वापस उन्होंने वैसा ही किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वही इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कहता है कि तुरंत उस लिपिक और केंद्र इंचार्ज को यहाँ से अटक करके लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा है कि जो पेपर का पैकेट जो है वो फोड़ा गया था, इस दौरान कुछ स्टूडेंट अंदर मौजूद थे, वहां पर फोड़ा गया था, वहां पर कौन मौजूद था ये तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में ही पता चला है कि वो एनवेलप फोड़ा था, लेकिन 8:30 वो एनवेलप फोड़ा और खुद की गलती से फोड़ा, ऐसा लिपिक ने कबूल किया। के बीच एक पेपर होना था, पर उससे पहले ही वो पेपर का जो एनवेलप रहता है वो फोड़ दिया गया है। और अब जो है यहाँ पे जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन यहाँ पे जो है निषेध किया जा रहा था, तो पुलिस द्वारा जो है आप देख पा रहे हो कि किस तरह से इन कार्यकर्ताओं को जो है अटक किया जा रहा है, गिरफ्तारी इनकी हो रही है। और जिस तरह से ये गिरफ्तारी हो रही है आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके लेके गए जा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार ले जा चुकी है पुलिस। अभी फिलहाल यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो इस बात का निषेध कर रहे हैं, उन्हें भी पुलिस जो है गिरफ्तार कर ले जा रही है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो एमपीएससी का पेपर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उस तरीके से उसकी जो है उसके लिए कड़े बंदोबस्त जो है वो सेंटर पर होना चाहिए। लेकिन आज जो यहाँ पे जो मामला सामने आया है इसमें क्या तथ्य है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।